सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया। जानते हो हमने तुम्हें अपनी जात में क्यों मिलाया है? सब जंगली है इधर। पता नहीं क्या बात है, जब बर्दाश्त नहीं होती है तो लोग इतना पी क्यों लेते हैं। और हम जैसे जॉनी वॉकर, ये वो नाम है जिसने हर पीने वाले की जुबान पर और हर सिने प्रेमी के दिल में अपनी खास जगह बनाई। हमसे चूक भाई, सबके हाथ के नीचे काम किया है पर पहरेदार के हाथ के नीचे कभी काम नहीं किया। अब ये कसर। नाम जरूर एक है पर इस नाम के दो अलग ब्रांड हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के कॉमेडी किंग जॉनी वॉकर की, जिसने अपने मस्खरे, अलग अंदाज और आवाज से अपना अलग मुकाम बनाया। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी। अभिनय की गली में अगर कुछ सबसे मुश्किल माना गया तो वो है हंसाना, और कॉमेडियन जॉनी वॉकर ने इसे बड़े ही एफर्टलेस तरीके से किया। उन्होंने करोड़ों सिनेमा प्रेमियों को अपने मजाक अंदाज से न केवल गुदगुदाया बल्कि उनकी थकान भी मिटाते रहे। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यार। भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार हास्य कलाकारों की फेहरिस्त में नंबर एक पायदान पर आने वाले जॉनी वॉकर अपने मासूम लेकिन शरारती चेहरे से सबको अपनी ओर खींचने का मादा रखते थे। उनको जो सबसे अलग बनाता था वो था उनका अनोखी आवाज में डायलॉग बोलना। पिता मजदूर, दस भाई बहन और गरीबी की मार, बताएंगे कि कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जॉनी वॉकर ने इंदौर से मुंबई तक का सफर तय किया था, कैसे एक दिन बस के सफर में उनकी लॉटरी लग गई, किसी हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला फिल्म इंडस्ट्री का इकलौता कॉमेडियन जिस पर भारी डिमांड के चलते हर फिल्म में एक गाना जरूर फिल्माया जाता था और सभी गाने ब्लॉकबस्टर होते थे। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया। बहुत पक्का था गुरुदत्त और जॉनी वॉकर का याराना। कैसे निभाई दोस्ती गुरुदत्त ने, बड़ी दिलचस्प है इस महान कॉमेडियन के ट्रेडमार्क गाने के बनने की कहानी, जो शुरू हुई थी कलकत्ता की एक सड़क पर। माफ कीजिए मैनेजर साहब, चोट इतनी लगी है कि मुझे सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आता। जिस कॉमेडियन के लिए ओपी नैयर ने गाने लिखे और रफी ने जिन्हें अपनी आवाज दी, उस महान शख्स के निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, और सबसे जरूरी बात ये कि उनका असली नाम क्या है और उन्हें फिल्मी नाम किसने दिया, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एक नजर इधर भी देखो मेरी जान। बगितला बगितला देख लिया। क्या देख लिया? चोरी का सूट। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आभार। मैं हूं आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। आगे बढ़ो, आगे चलो। 11 नवंबर 1920, यही वो तारीख और दिन था जब लेजेंडरी कॉमेडियन बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी का इंदौर में जन्म हुआ था। जी हाँ, जॉनी वॉकर का असली नाम यही है। 10 भाई बहन समेत करीब 14-15 लोगों का एक बड़ा परिवार था। 1930 के दशक में इनके पिता बुनाई सिखाते थे और करीब 400 रुपए महीना कमाते थे, जो इन दोनों बहुत पैसा होता था। पूरा परिवार और बच्चे मौज मस्ती के साथ जी रहे थे जब तक कि पिताजी की नौकरी नहीं चली गई। काम छूटा तो छठी कक्षा के बाद बदरुद्दीन की पढ़ाई भी छूट गई। अभिनय का शौक इन्हें बचपन से था लेकिन इनके घर में फिल्मों की बात करना भी मुनासिब नहीं समझा जाता था। घर खर्च चलाने के लिए इन्होंने कभी आइसक्रीम बेची तो कभी फल और सब्जी तो कभी स्टेशनरी। दीदी इसे कौन लड़की पसंद करेगी, ये मुंह और मसूर की दाल? मसूर की दाल, अबे हम नॉन वेजी। इनके पिता इंदौर की ही एक मिल में मजदूरी करने लगे। दुर्भाग्यवश सभी मिलें एक के बाद एक करके बंद होने लगी। मजबूर होकर काम की तलाश में 1942 में इनका पूरा परिवार मुंबई आ गया।
इनके पिता कहीं भी 6 महीने से ज्यादा टिककर काम नहीं करते थे। एक बार हैदराबाद के निजाम की कपड़ा मिल में इन्हें काम मिला तो उन्होंने वहीं जाने का फैसला कर लिया, पर बदरुद्दीन मुंबई में ही रुके रहे क्योंकि अब वो तसल्ली से फिल्मों में काम ढूंढ सकते थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हैं तो आप क्या कहेंगी? तो मैं एडिटर से कह दूंगी। तो मैं नहीं कहता, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वहीं हैदराबाद में दंगे भड़कने के बाद पिताजी को एक बार फिर नौकरी से निकाल दिया गया। मायूस होकर पूरे परिवार के साथ उन्हें मुंबई लौटना पड़ा और सबकी देखभाल का जिम्मा बदरुद्दीन के ऊपर आ गया। फिल्मों में काम कब मिले ये तो तय नहीं था, अब वो किसी भी काम के लिए हाथ पैर मारने लगे। फिर एक दिन मुंबई की बेस्ट बस सर्विस में उनकी कंडक्टर की नौकरी लग गई। 27 साल की उम्र में वो दादर बस डिपो में तैनात हो गए। इस नौकरी के लिए उन्हें 26 रुपए तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जब भी खाली वक्त मिलता तो फिल्मों में काम जरूर ढूंढते। उस जमाने के कॉमेडियन हाजी नूर मोहम्मद चार्ली से ये काफी प्रभावित थे, जो पहले स्टार कॉमेडियन हुए थे। हाजी नूर मोहम्मद मूक फिल्मों के दौर से काम कर रहे थे। उन्हें देखते सुनते बदरुद्दीन को भी कॉमेडी का कीड़ा काटने लगा था और उनके इस हुनर का नमूना इनकी नौकरी के दौरान दिखाई देने लगा। इसलिए कि तुम शरीफ आदमी हो। अरे वाह, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं शरीफ आदमी हूँ? वाटे नंदा। बस में यात्रियों को इकट्ठा करने के लिए वो अलग सी तरह की आवाजें निकालते और बस खचाखच भर जाती। टिकट काटने के अलावा अजीबोगरीब किस्से कहानियां सुनाकर मुसाफिरों का मन भी बहलाते। जो इनकी बस में चढ़ जाता उसका सफर यादगार बन जाता। इसके पीछे उनका कहीं ना कहीं ये मकसद था कि कोई उनके इस हिडन टैलेंट को पहचान ले और किसी तरह उन्हें फिल्मों में काम मिल जाए। छोटी मैम, सबको डिनर नहीं मांगता है। तो फिर क्या मांगता है? शट अप। क्या बकते हो? गधा कहीं। उनकी ये इच्छा भी पूरी हुई जब एक दिन अभिनेता बलराज साहनी उनके बस में चढ़े। रोज की तरह बदरुद्दीन का हंसने हंसाने का कार्यक्रम चल रहा था। कहा जाता है कि उनके चुटीले अंदाज और गजब की कॉमिक टाइमिंग से बलराज साहनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बदरुद्दीन को मशहूर एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त के पास जाने के लिए कहा। बदरुद्दीन की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। वो दिन आया जब ये बस कंडक्टर गुरुदत्त से मिलने पहुंचा और बलराज साहनी की सलाह पर ऑफिस में घुसते ही शराबी की एक्टिंग शुरू कर दी। हमका खोल के अपनी मौत बुला लियो सबके सब। पर ये क्या, गुरुदत्त को लगा कि सचमुच कोई शराबी घुस आया है। गुस्से में आकर वो उन्हें वहां से निकालने ही वाले थे कि बलराज साहनी वहां पहुंच गए। तब बदरुद्दीन अपने असल रूप में वापस लौटे। उनकी रियल एक्टिंग से गुरुदत्त इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्मबाजी में उन्हें एक रोल दे दिया। इस तरह 1951 में इनके कैरियर की पहली फिल्मबाजी थी जिसकी स्क्रिप्ट खुद बलराज साहनी ने लिखी थी। एक अनार दो बीमार, एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है। गुरुदत्त यही नहीं रुके, उन्हें इस नए शख्स की शराबी की एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग लगी कि खुश होकर उन्होंने अपनी फेवरेट विस्की के नाम पर बदरुद्दीन का फिल्मी नाम रख दिया जॉनी वॉकर। शायद तब इन दोनों को ही ये पता नहीं था कि आगे चलकर ये नाम क्या गुल खिलाएगा। गुरुदत्त के साथ बाजी से जो साथ शुरू हुआ तो उनकी हर फिल्म में जॉनी वॉकर एक महत्वपूर्ण किरदार में दिखाई देने लगे। गुरुदत्त साहब इनकी प्रतिभा के कायल हो गए। इन दोनों ने करीब 10 सालों तक साथ काम किया जिसमें CID, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, चौदहवीं का चांद, कागज के फूल जैसी क्लासिक फिल्में शामिल हैं। गुरुदत्त के साथ काम करते करते जॉनी वॉकर को दूसरे प्रोडक्शन की फिल्में भी मिलती चली गईं। इनके अभिनय की खास बात ये थी कि ये हर किरदार की भाषा बोली में खुद को इस तरह ढाल लेते थे मानो उसी इलाके के हों। एक आईब्रो उठाकर डायलॉग बोलना, मस्करी मुस्कान के साथ तंज मारना और अलग आवाज उन्हें दूसरों से हटकर साबित करते थे। वहीं सामाजिक विषयों पर बनी फिल्मों में भी उनकी भूमिकाएं काफी पसंद की गईं। किसी भी रोल को कैमरे के सामने करने के लिए उन्हें कभी कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। छोटी सी भूमिका में भी वो अपनी गहरी छाप छोड़ जाते थे। उनका हास्य बहुत साफ सुथरा था जिसमें दोहरे अर्थ वाले संवाद नहीं थे, कोई गंदगी नहीं थी। संवाद बोलने का एक अलग अंदाज, टेढ़ी टोपी, ढीली शेरवानी और अनूठी सी हंसी, ये सब मिलकर जॉनी वॉकर को एक महान कॉमेडियन बनाते थे। 1957 में उनके नाम पर जॉनी वॉकर फिल्म भी बनी थी। उनकी किसी भी फिल्म में ना तो ओवर एक्टिंग होती थी और ना ही कोई स्टार मटेरियल नजर आता था। हाँ, लोग जरूर उनके किरदार में डूब कर मजे लूटते थे। मेरी बदकिस्मती है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ये आर्ट का काम है, टाइम दो फिर कमाल देखो।
एक बात और थी जो उन्हें बाकी कॉमेडियन से अलग बनाती थी। लगभग हर फिल्म में उनके ऊपर एक गाना भी फिल्माया गया। संयोग कहे या कुछ और कि ये सभी गाने जबरदस्त हिट हुए। पब्लिक तो इन गानों पर दिलो जान से फिदा हो गई। यार बना है झूला और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी पीछा ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। बात 50 के दशक की है। उन पर फिल्माए गए गाने लोगों के सर चढ़कर बोलने लगे। लोकप्रियता का आलम हद पार कर गया जब पब्लिक ये डिमांड कर बैठी कि उन्हें हर फिल्म में जॉनी वॉकर के ऊपर एक गाना जरूर चाहिए। वो शायद पहले और आखिरी ऐसे कॉमेडियन थे जिनके लिए खास तौर पर गाने बनाए जाने लगे। दिग्गज गीतकार ओ पी नैयर उनके लिए गाने लिखते और मोहम्मद रफी बड़े पर्दे पर जॉनी की आवाज बन जाते। फिल्मों में जॉनी वॉकर का होना इस बात की पक्की गारंटी बन गया कि लोग फिल्म देखने जरूर आएंगे। सुनो सुनो मिस चैटर जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाले। बाजी, जाल, आंधियां, बाराती, टैक्सी ड्राइवर, मिस्टर एंड मिसेस बचपन, श्रीमती 420, सीआईडी, प्यासा, मिस्टर एक्स, मधुमति, कागज के फूल, सुहाग, सिंदूर, घर बसा के देखो, मेरे महबूब और चाची 420 उनकी कुछ चर्चित फिल्में रही हैं। उन्होंने अपने 40 साल लंबे फिल्मी करियर में लगभग 300 फिल्मों में एक्टिंग की। अपनी पूरी जिंदगी में शराब को हाथ ना लगाने वाले वॉकर शराबी की एक्टिंग ऐसे करते थे मानो पहले से टल्ली होकर कैमरे के सामने आ गए हों। वॉकर सिर्फ रोते को हंसाना ही नहीं जानते थे बल्कि उनकी एक्टिंग का एकदम जुदा अंदाज ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में देखने को मिला, जिसमें उन्होंने लोगों को भावुक कर दिया था। क्यों बेटा, हमसे पहले ही एग्जिट ले रहे हो, बड़े चालाक हो मियां। जॉनी वॉकर ने हिंदी सिनेमा में राज खोसला, बीआर चोपड़ा जैसे इंडस्ट्री के तमाम बड़े फिल्मकारों के साथ काम किया, लेकिन सबसे अच्छा तालमेल बना गुरुदत्त के साथ। गुरुदत्त बस सिचुएशन समझाते और ये कहकर उन पर सब छोड़ देते थे कि जॉनी अब तू ये सीन कर लेना। दोनों की आपसी समझ इतनी बढ़िया थी कि गुरुदत्त के कहे बगैर वो समझ जाते कि उन्हें किस सीन में क्या चाहिए। ये कान में जो तूने पहन रखे है ना, इससे तू डबल ब्यूटीफुल लग रही है, राजू ने अपने इसे खरीदे। इन्हीं दोनों से जुड़ा एक मजेदार वाकया है जिसने बाद में हिंदी फिल्म इतिहास के एक कल्ट गाने की शक्ल ले ली। फिल्म प्यासा की शूटिंग की बात है। ये दोनों बाकी टीम के साथ कोलकाता में थे और सड़क किनारे बने ढाबे में नाश्ता कर रहे थे। वहीं पास में एक मालिश वाला बड़े ही गजब अंदाज में किसी के सिर की मालिश कर रहा था। उसे काफी देर तक गुरुदत्त देखते रहे क्योंकि वो कला के कद्रदान थे, तो जॉनी वॉकर से बोले कि इस मालिश वाले को ध्यान से देखो और इसे जहन में बिठा लो। जॉनी भी उसे देखते रहे और आगे चलकर उसी अंदाज को जॉनी वॉकर ने अपने तरीके से फिल्म प्यासा के उस मशहूर गाने में उतारा जो एक तरह से उनका ट्रेडमार्क बन गया। 60 से ज्यादा बरस गुजर जाने के बाद भी बच्चा, बड़ा और बूढ़ा सभी इसे मस्ती में आज भी गाते हैं। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे। जॉनी वॉकर ने अपने दौर के सभी बड़े छोटे हीरो के साथ काम किया। गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद से लेकर नए दौर के कमल हासन तक के साथ फिल्में की। 70 का दशक आते आते हिंदी फिल्मों में कॉमेडी का परिदृश्य बदलने लगा था। वो कुछ द्विअर्थी और अश्लील होने लगी। हास्य की मासूमियत और स्वाभाविकता धीरे धीरे दम तोड़ने लगे थे। जॉनी को नए दौर की फिल्में और उनका अंदाज पसंद नहीं आया, लिहाजा उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मगर कमल हासन और गुलजार साहब के जिद करने पर वो चाची 420 में काम करने के लिए राजी हो गए, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। इसमें कमल हासन और तब्बू लीड रोल में थे। पूरे 14 साल के लंबे अंतराल के बाद जॉनी एक बार फिर पर्दे पर दिखाई दिए थे, एक बार फिर कॉमेडियन की भूमिका में, वो भी अपनी ट्रेडमार्क बोतल के साथ। 1997 में आई इस फिल्म में कमल हासन के मेकअप मैन की भूमिका में उन्हें काफी पसंद किया गया। सास बन के ससुराल में एंट्री मारने का प्रोग्राम बनाया है क्यों जी? हाँ, लेकिन ये 1955 में फिल्म आर पार के सेट पर वॉकर की मुलाकात नूर जहां से हुई, जो उनकी को एक्ट्रेस शकीला की बहन थी। इस फिल्म का एक गीत इन दोनों पर फिल्माया जाना था। इसी बीच वॉकर साहब को नूर जहां से प्यार हो गया और उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। इनके 6 बच्चे हुए। गरीबी के कारण खुद तो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, पर पैसा कमाने के बाद उन्होंने अपने सभी बच्चों को विदेश भेजकर ऊंची शिक्षा जरूर दिलाई।
दर्द जिगर से मैं भी कहूँ बहुत करो ऐसा ना जुलम अरे हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आया जब जॉनी वॉकर ने फिल्मों से पूरी तरह से संन्यास ले लिया था। उनका कहना था कि अब वो शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनके पास घर, गाड़ी, बच्चे, टेलीफोन सब कुछ है, और क्या चाहिए। वॉकर एक सिंपल लाइफ जीते थे। इतनी शोहरत और बुलंदी पाने के बाद उनमें ना तो कोई घमंड था और ना ही किसी चीज का मलाल। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा फिल्मी माहौल से दूर रखा। वो प्रकृति प्रेमी थे। अपने घर में लगे जामुन, जैतून, अमरूद, पपीते के पेड़ों का वो बहुत ध्यान रखते थे। बचपन से ही खेलों में काफी रुचि थी। तैराकी, स्केटिंग, हॉकी, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, कैरम सभी उन्हें पसंद थे। आपको शायद यकीन ना हो पर यह सच है कि इस कॉमेडियन का जलवा कुछ ऐसा था कि बांद्रा के क्रॉस रोड पर जिस नूर विला में वो रहते थे उसके पास के बस स्टॉप का नाम ही जॉनी वॉकर बस स्टॉप हो गया था। पिताजी, तो माला आप बच्चे को 2 तोले सोने की चेन देना चाहती है। उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1958 में मधुमति के लिए मिला, जबकि दूसरा 1968 में बेस्ट कॉमेडियन के लिए फिल्म शिकार के लिए मिला था। चलते चलते एक छोटा सा किस्सा उनकी दरियादिली का सुन लेते हैं। वॉकर साहब जितने बड़े कलाकार थे उतने ही अच्छे और संवेदनशील इंसान भी थे। वो हमेशा अपने बच्चों को एक ही दुकान से समोसे लाने को कहते। इसके पीछे बस एक ही बात थी कि गरीब दुकानदार की मदद हो जाए। ओ प्यारे, ओ भाई, एक टाइम से कहाँ भाग रहे हो, बात तो सुनो। प्यारे, बात तो सुनो, कर्फ्यू ऑर्डर है क्या? हंसते हंसाते इस कलाकार ने अपनी जीवन यात्रा का आखिरी पड़ाव 29 जुलाई 2003 को पूरा किया और इस दुनिया से विदा हो गए। उनके निधन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शोक संदेश में कहा था कि जॉनी वॉकर की त्रुटिहीन शैली ने भारतीय सिनेमा में हास्य शैली को एक नया अर्थ दिया है। ऐसा था इस महान अभिनेता का लोगों के दिलों में स्थान। आज भले ही जॉनी वॉकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन कलाकार भी भला कभी मरा है। वो अपनी कला के माध्यम से हर वक्त सबके दिलों में, यादों में जिंदा रहता है। उसके चाहने वाले उसे कभी मरने नहीं देते। जॉनी वॉकर की फिल्में हमें उन्हें भूलने की इजाजत हरगिज नहीं देती। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना दोबारा महीने दिवाला। दोस्तों, कैसी लगी हमारी पेशकश हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंगना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।